हेलो, नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। मैं एस के माथुर G2S अकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ DSSSB JEE जो सिविल का आपका एग्ज़ाम है उसकी मैं बात करूँगा। कुछ एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं, दो पेपर हो चुके हैं एनवायरनमेंट का और आपका एक और पेपर हो चुका है, ठीक है। आज मैं बात करूँगा जो आपका पोस्ट कोड था, पोस्ट कोड और थोड़ी सी मैं डिटेल भी बताऊँगा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। 519/19 जो आपका पोस्ट कोड था उसका एग्ज़ाम माय डियर आपका ये आपका 30 अक्टूबर 2019 को है, ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम है आपका, ये एग्ज़ाम सेंटर आपका दिल्ली में ही होगा। इसकी मैं एग्ज़ाम की बात करूँगा और आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये बताएंगे। पेपर में कैसे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा हिंट दूँगा आपको, आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। अब आपको मैं बता दूं कि आपका कैसे आप क्या करेंगे, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। आपके पास जैसे कि मैसेज आ गया होगा, इसमें काफ़ी चीज़ें भी हैं आपको वो ध्यान रखना होगा क्योंकि काफ़ी स्ट्रिक्ट है। इसमें आपकी ये वेबसाइट लिंक है आपका, आप जाएंगे इसमें ये DSSSB ये डालेंगे, अगर आप DSSSB.delhi.gov.in ये आप वेबसाइट डालेंगे तो उसमें आपका एक ऑप्शन आएगा ये डाउनलोड, ये देखिए डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर द ऑनलाइन एग्ज़ाम CBT एग्ज़ाम फॉर द पोस्ट ऑफ द फील्ड असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन और सिविल 5519 ये है आपका ऑन 30/10/2019 को जो पेपर है उसके लिए, ठीक है। तो ये आपके इसमें क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन होगा, ये पेज ओपन होगा। इस पेज में आप क्या करिएगा, अपना सेलेक्ट करिएगा DSSSB, यहाँ से डाउनलोड, ये आपका डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पर आप डाउनलोड करेंगे तो आपका आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक। फिर आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, तीन पेज निकलेंगे माय डियर, तीन पेजों पे आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या करना है। उससे पहले माय डियर मैं आपको DSSSB का पेपर पैटर्न का वीडियो बना चुका हूँ, ये मेरा G2S Academy का चैनल है यूट्यूब में, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज काफ़ी वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे और आपका इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी वीडियोस पड़े हैं एग्ज़ाम्स के पैटर्न के भी। तो मैं DSSSB का आपका कुछ पेपर दिखाना चाहता हूँ। ये देखो एक वीडियो आपका पड़ा है DSSSB पेपर पैटर्न सिविल का क्या होगा, तो एक वीडियो तो आपका ये पड़ा हुआ है DSSSB वाला, ये आप देख लीजिएगा आपके काम का है। और आपका एक वीडियो और मैं दिखाता हूँ नीचे, आपका DSSSB में कब एग्ज़ाम है वो चीज़ मैंने बताई थी। DSSSB का एक और वीडियो है, नीचे जाएंगे RRB CF4 बेंडिंग मूवमेंट ये सब है, ये UP SSSC न्यू सिलेबस जो है वो वीडियो पड़ा हुआ है, UPPCL ये नीचे पड़ा है, DSSSB नोटिफिकेशन वगैरह। ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, ये नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम डेट का एक वीडियो बनाया था, ये रहा आपका, इसको आप देख लीजिएगा। 2017 में जो फॉर्म भरा गया था उसका भी और 2019 वाला दोनों, अभी कुछ दिन पहले दो चार दिन पहले 2017 वाला एग्ज़ाम हुआ और 2019 वाला एक पेपर हो चुका है आपका, वो कौन सा आपका ये हो चुका है शायद में भी आपका ये वाला 2017 में, और एक एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का हो गया। तो ये जैसे हम जानते हैं 17/19 जो थी वैकेंसी ये अभी नहीं आई, अभी 5/19 का चल रहा है। तो अभी आपने 17/19 का फॉर्म भरा होगा, इस वीडियो में आपको डिटेल पता चल जाएगी। इसमें देखिए EWS वीडियो आप जाकर यही दोनों भी लागू किया गया, उसको आप जाकर देख लीजिएगा, इससे आप जनरल के लिए 55 मिल जाएगी, ठीक है माय डियर। तो आपका अब हम देखते हैं कि कैसे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो आप जाएंगे अगर उसमें आप क्लिक करेंगे तो तीन पेज स्ट्रिक्ट है काफ़ी ज़्यादा माय डियर, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। इसमें आपकी फ़ोटो वगैरह भी मांगी गई है, फ़ोटो ये देखिए एक बच्चे का एडमिट कार्ड है, तो ये आपका पहला पेज है एडमिट कार्ड का, एडमिट कार्ड का ये फर्स्ट पेज है आपका, रोल नंबर इस साइड फ़ोटो होगी, यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज अपनी फ़ोटो, यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लगानी है, ठीक है। लिखा हुआ पेस्ट डू नॉट स्टेपल रिसेंट फोटोग्राफ अपलोडेड ऑनलाइन, जो ऑनलाइन अपलोड की होगी वो वाली, ठीक है। नहीं है वो तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है आपका। जो भी इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है माई डियर पढ़ लीजिएगा, आपको अपनी ID लेके जानी है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। वहाँ पे ड्रेस कोड काफ़ी ज़्यादा है, आपको फुल शर्ट नहीं पहननी है, हाफ शर्ट पहन के जानी है, बेल्ट वगैरह नहीं लगाना है। गर्ल्स के लिए आपको स्लीवलेस ड्रेस होनी चाहिए, ढीले कपड़े होने चाहिए। ये सब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप देख लेंगे, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पर क्या है, सेकेंड पेज पर। फर्स्ट पेज हो गया, सेकेंड पेज आपका माय डियर ये चीज़ है, सेकेंड पेज में क्या है यहाँ पर देखिए, एक 4x6 की 4x6 की आपकी फ़ोटोग्राफ लगेगी जिसमें आपके शोल्डर्स दिखने चाहिए, शोल्डर्स आपके दिखने चाहिए। रिसेंट पेस्ट रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ 4x6 की फॉर अपर हाफ ऑफ द बॉडी, अपर हाफ की ओनली क्लियरली शोइंग द फेस बोथ ईयर्स एंड बोथ शोल्डर, आपके दोनों कान दिखने चाहिए, दोनों शोल्डर दिखने चाहिए, ठीक है, और फेस दिखना चाहिए।
यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन यू फेल इन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। आपको अगर फोटो लेके नहीं जाते हैं तो आपको एग्जाम में अलाउ नहीं करना दिया है। वीडियोग्राफी वगैरह सब कुछ हो रही है, यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे, लेफ्ट थम इम्प्रेशन होगा, सिग्नेचर इन विजिटर के और नेम, ये आपका सेकेंड पेज था। ये आपका थर्ड पेज है, इसमें आपको राइटिंग लिखनी है, हिंदी और इंग्लिश में आपको लिखना है और यहाँ साइन करना। तो ये तीन पेज हैं आपके, किसके ये तीन पेज आपके एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा, तीनों पेज लेके जाना है, फोटो चिपका लीजिएगा पेस्ट और आप वहाँ पे जाइएगा। तो आपका ड्रेस कोड का ख्याल रखिएगा, ड्रेस कोड का आपको ख्याल रखना है। ड्रेस कोड में आपको मेनली क्या करना है, ड्रेस कोड में आपको हाफ टी शर्ट पहन के जाइएगा बॉयज़, और गर्ल्स जो है आपकी स्लीवलेस कुर्ती और नीचे आप ढीला ढाला कुछ भी पहन सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेपर पैटर्न कैसा आ रहा है। पेपर पैटर्न में माई डी आपका क्या है, इसमें आपका पता है नॉन टेक्निकल आपका, नॉन टेक्निकल 100 मार्क्स का है, नॉन टेक्निकल आपका 100 मार्क्स का है, जो कि कितने 5 पार्ट्स में बांटा गया है, 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है। 20-20 मार्क्स के तीन पांच पार्ट हैं आपके, 20-20 मार्क्स के आपके कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स, ठीक है। इस हर पार्ट में क्या होता है, ये आप करेंगे तो इसको ये करने के बाद सबमिट करना पड़ेगा, सबमिट कर देंगे तो ये आपका जितने भी किए आपने वो जमा हो जाएगा, फिर दोबारा वो ओपन नहीं होगा। ये 20 किए सबमिट किए अलग, इंडिविजुअल से सबमिट करना है, तो ये सब आपका 100, इसमें हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ है और जीके है, ठीक है, ये पांच पार्ट है। और टेक्निकल में भी आपके पांच पार्ट्स में बांटा हुआ है, मतलब 20-20 के क्वेश्चन उसने बांट दिए हैं। टेक्निकल में क्वेश्चन जो आ रहे हैं काफ़ी आसान आ रहे हैं, और उसमें आपका इसमें भी पांच पार्ट है, 20, 20, 20 और 20। टाइम मैनेजमेंट आप देख लीजिएगा माय डियर, क्योंकि कुछ बच्चों का एग्जाम छूट जा रहा है और कुछ बच्चे जो हैं वो सबमिट करने के बाद सोचते हैं कि दोबारा ओपन होगा, लेकिन दोबारा ओपन नहीं हो रहा है, तो बाद में टाइम बच जाता है बच्चों का, और कुछ बच्चे जो हैं वो एक दो पार्ट छोड़ के भी आ रहे हैं। तो माय डियर आपका पेपर कैसा होगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपको ये वीडियो हेल्पफुल है कि नहीं। और क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, मेनली आपका PHE के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एनवायरमेंट के, और आपको सॉइल के भी क्वेश्चन है, BMC के भी क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, जो आपका SSC JEE में लेवल रहता है उससे थोड़ा कम ही लेवल है। तो आपको मेनली क्या RCC में आपको कोड वगैरह देख के जाना है, और आपको सॉइल में बेसिक आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के जो फॉर्मुलेज थे वो आपको देखना है। BMC में तो कुछ छोड़ना ही नहीं, सीमेंट कंक्रीट ये सब आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत आसान आ रहा है, और साइंटिस्ट कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी चीज़ दी थी, ये क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, जैसे कैपिलरी एक्शन किसने दिया था, ठीक है, आपका बर्नौली थ्योरम किसने दिया था, ठीक है, और आपके ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाए। फ्लूइड मैकेनिक्स भी आपकी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप अच्छे से इसको पढ़ के जाइए। नॉन टेक्निकल भी आसान आ रहा है, नॉन टेक्निकल भी टफ नहीं आ रहा, और टेक्निकल भी आपका आसान आ रहा है। जैसे कि आपका Tier 1 का पेपर है, ये आपका क्वालिफाइंग है केवल, इसके मार्क्स जोड़ते नहीं है, ये आपका क्वालिफाइंग है, फिर भी आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करिएगा, और इसमें आपका ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बच्चे में बता रहे हैं कि पेपर आसान आ रहा है, तो माय डियर आप क्या करिएगा, अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना है। आपको 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे में आप मैनेज कर लीजिएगा कितना टाइम आप टेक्निकल को देना चाहते हैं और कितना आप नॉन टेक को देना चाहते हैं, उस हिसाब से आप क्या करिएगा अपने आप को मैनेज कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसा आप मैनेजमेंट करें कि आपके पास टाइम ना बचे। एक ड्रॉबैक है इसमें कि सबमिट होने के बाद ओपन नहीं हो रहा है, ओपन होना चाहिए, अगर बच्चे के पास टाइम बचता है तो खोल के देख सके, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ओपन नहीं हो रहा है माय डियर। तो आपको इसी पैटर्न में पेपर देना है, और कोई भी आपका डाउट होता है आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और आपको कोई डिटेल जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम उसको उसका आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। माय डियर आप पेपर आसान आ रहा है, अच्छे जाइए, कूल माइंड से पेपर दीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, थैंक यू।